स्वागत है श्री कार्की एग्जाम की यूट्यूब चैनल। तो आज जो मेरी क्लास होने फीटर सेकेंड ईयर वालों के लिए होने वाली है, तो उससे जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा फायर, यानी कि आग जो है अग्नि, वो हम चैप्टर इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक आपके लिए जो 25 क्वेश्चन होंगे और बेसिक्स में आपको समझाता भी चलूँगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको जो क्वेश्चन वाइज स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनते जाएंगे मैं आपको समझाता भी चलूँगा दोस्तों क्वेश्चन में, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो आपके आईए एग्ज़ाम्स को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, फिलहाल मैं आपको 2 मिनट लूँगा आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम को लेकर चर्चाएं हो रही है, यानी कि सितंबर में जो है आपका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि कमेंट वगैरह आ रहे थे कि फेटर का जो है एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट आ रहे थे कि जो फेटर है सेकेंड ईयर वालों का जो एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं आपको बता दूँ जो सेप्टेम्बर है, यानी कि सितंबर में जो है आपके जो चांस बन रहे हैं, क्योंकि 31 तारीख तक स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं, 31 अगस्त तक जो है आपके स्कूल और कॉलेज बंद है, और उसके बाद ही जैसे कोई नोटिस वगैरह आता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। फिलहाल आपकी तैयारी है पूरी रखिए और समझ लीजिए आपके सितंबर में जैसे कि गवर्नमेंट ने जैसा दिया है नोटिस वगैरह में कि आपका सितंबर में एग्ज़ाम कराने के चांस बता रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, कुछ चैप्टर तो मैंने आपको जो बेसिक से कंप्लीट भी करवा दिया और कुछ चैप्टर आपके रह रहे होंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाऊँगा जबकि एग्ज़ाम में आने के मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे अगर एग्ज़ाम में से आप पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो, तो अपने समझ लीजिएगा और अपनी तैयारी है जो चालू रखिएगा, ठीक है। और ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता है जो फीटर वाले होते हैं उनके लिए थोड़ी सी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ी टफ हो जाती है सेकेंड ईयर में, ठीक। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए क्या है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए इजी हो जाती है सेकेंड ईयर में, लेकिन फीटर वालों के लिए पिछली जो फर्स्ट ईयर की बात जो फर्स्ट ईयर होती है उससे भी हार्ड हो जाती है, ठीक। तो आप अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग पर भी और थ्योरी पर भी ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है आज अधिकतर इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी मात खाते हैं, तो इसलिए अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अच्छी कर लीजिएगा। और जो मैंने बेसिक से जो क्लास पढ़ाई रखी है वैसे फर्स्ट ईयर की, तो आप मैप जरूर देखना, क्योंकि उनमें मैंने आपको जो प्रोजेक्शन वगैरह है बेसिक्स कंप्लीट करा है, उन्हीं के टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं आपके सेकेंड ईयर में भी, और जो बस क्या हो जाएगा थोड़ा सा लेवल हार्ड हो जाएगा, ठीक है, जो लेवल वगैरह है आपका बस वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है सेम टाइप के ऐसे पूछे जाते हैं, ओके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज मैं आपको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं आपको बेसिक्स भी बताता चलूँगा, ठीक है, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहने का। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताना है किसके साथ राइट आंसर जाएगा। इसमें विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए बोला है, विद्युत जो है आग लग जाती है, तो उसमें हमें किसका मतलब अच्छा रहेगा जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है, चलिए बताइए। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं जो है आपकी, अगर मैं बताऊं अग्नि आपकी होती क्या है, अग्नि की आपको परिभाषा पता है लेकिन बहुतों को नहीं भी पता होगी, तो किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना क्या कहता है, अग्नि कहलाता है। इससे प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है और आग के लिए ऑक्सीजन और ईंधन आवश्यक तत्व होते हैं। आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, बिजली के तार से आग लग सकती है, और बिजली के तारों से लोड जो पड़ता है उससे आग लग सकती है, और शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है, और जो कारखानों में धूम्रपान होता है उससे भी जो है आग लगने के चांस रहते हैं, और तेज चलने वाली मशीनों के तेल का न होना उससे भी आपकी जो है आग वगैरह लग सकती है, कई कारण होते हैं जिससे आग लगने के चांसेस रहते हैं, ओके। तो क्वेश्चन कहा गया है कि विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए जो है CTS फायर एक्सटिंग्विशर जो का इसका हमें उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि किस प्रकार की आग पर पानी का उपयोग करना चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए किस प्रकार की आग पर पानी का उपयोग करना चाहिए, तो उसमें श्रेणी ABCD दी गई है, तो ये प्रकार ये है क्या जो है ABCD, तो ये जो होते हैं आग के प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ फायर होते हैं। तो मैं बता दूँ श्रेणी ए में क्या आता है, तो श्रेणी ए में आता है लकड़ी, कागज, कपड़े और ठोस से लगी आग को श्रेणी ए में रखा जाता है, यानी कि एक बार फिर से बता दूँ, जब आपका क्लॉथ होता है, वुड होता है और पेपर होता है, यानी कि जो आपकी लकड़ी, कागज और कपड़े होते हैं वो किस में रखे जाते हैं, श्रेणी ए में, यानी कि इनसे जो आग लगती है, और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम आग की जो है तली में
पानी डाल देते हैं, और जो तो आग के ऊपर जो है उसके बाद पानी का फुहारे डाल देते हैं, जिससे आग बुझ जाती है, आसानी से आग बुझ जाती है। यानी कि जो लकड़ी से लगती है, कागज़ से लगती है, तो इसमें क्या होता है, हम पानी डाल देते हैं और जो उसकी तली होती है, आग 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 होती, तो उसके उसमें पानी वगैरह डाल दिया जाता है। ठीक, तो श्रेणी में कौन कौन सी आई, कागज़, कपड़ा और जो है आपका लकड़ी, तो तीन चीज़ आती है श्रेणी ए में। चलिए, तो यहाँ पर पूछा है किस प्रकार की आग पानी का उपयोग करते हैं, तो किसके साथ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, पानी के साथ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है आपकी श्रेणी ए की जो आग होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कहता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिए क्या कहता है कि गैस तथा द्रवित गैस की आग किस श्रेणी में रखी जाती है। गैस तथा द्रवित गैस जो आग होती है वह किस श्रेणी में रखी जाती है। अब आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा, चलिए राइट आंसर आपको बताना है किसके साथ जाएगा। अब गैस और द्रवित गैस से लगी आग को किस में रखते हैं, श्रेणी सी में रखा जाता है। ठीक है, कौन सी क्लास में रखा जाता है, सी क्लास में इसको हम रखते हैं। अब ये सी क्लास में जो होता है किस चीज़ से आग लगती है, मैं आपको बताता हूँ जो किस जो है किससे ये आग लगती है। जो द्रवित गैस की जो आग को अधिक सावधानी से के साथ बुझाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो विस्फोट वगैरह होते हैं, अचानक आग जो फैलने का डर हमेशा इसमें बना रहता है। इस प्रकार की आग बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर जो फायर जो है एक्सटिंग्विशर होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो श्रेणी सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रेणी सी क्लास सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्न में से क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्न में से श्रेणी डी की आग कौन सी है। इसमें से आपको जो है श्रेणी डी की बतानी है, जो कौन सी इसमें से श्रेणी डी में जो आती है, किसके अंतर्गत आती है, चलिए बताइए। तो विद्युत जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, किसके साथ जाएगा राइट आंसर, विद्युत के, ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो श्रेणी डी में आती है वो विद्युत आती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जो है इसमें इस आग के आधार पर सर्वप्रथम पानी का स्प्रे करना चाहिए, तत्पश्चात धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए। तो आपको बताना, जो मैंने बताया कि पानी के किसका उपयोग करते हैं, श्रेणी ए में, यानी कि क्लास ए में इस जो है था इसका उपयोग किया जाता है वाटर का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो है किस गैस की उपस्थिति में द्रव या ठोस पदार्थ जलेगा। किस गैस की उपस्थिति में जो है द्रव या ठोस पदार्थ जलेगा। चलिए, तो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है आपका जो द्रव्य भी जलेगा और आपका जो है ठोस भी जलेगा, किसकी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा किसके साथ, बी के साथ जाएगा, ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सेवन नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि आग पर काबू पाने में स्मूथ रिंग का अर्थ है, या स्मूथ रिंग का अर्थ पता पूछ रहा है क्या होता है। चलिए राइट आंसर आपको बताना है, तो हवा को रोकना, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, हवा को रोकना। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो चुका। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आप लोग कि रनिंग लिक्विड फायर तथा फ्लेमेबल लिक्विड फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर उपयुक्त है। चलिए राइट आंसर बताइए, तो इसमें जो है फोम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कार्बोनेशियस फायर, इसके बारे में पूछ रहा है, कार्बोनेशियस फायर
क्या है? लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण ये क्या होती है? फायर, आग लगती है। कार्बोनेशियस, यानी कि यहाँ पर इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, लकड़ी, पेपर और हाँ ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी और पेपर के कारण जो है यह फायर होती है, जलती है। चलिए अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर कि ऑयल फायर पूछ रहा है। ऑयल फायर ये किससे बनती है? जो पेंट्स वगैरह होते हैं, वार्निश वगैरह इत्यादि कारण होती है ये आग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ चुका आपका अगला क्वेश्चन कि हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है? राइट आंसर आपको बताना है किसके साथ जाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है ये किसके अंतर्गत है? इलेक्ट्रिकल फायर जो खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण ये होती है, ये आग लगती है। किसके कारण? खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण जो है ये आग लगती है। ये नोट करते जाना, ऑयल फायर होती है, कार्बोनेशन फायर होती है, इलेक्ट्रिकल फायर होती है, इन जितने भी आपको फायर बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम में बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है छोटे छोटे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल फायर किससे बनती है, लगती है? जो इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह होती है, जो शॉर्ट एक किस्म से शॉर्ट सर्किट भी कह सकते हैं, जहाँ शॉर्ट हो जाता है तो आग लग जाती है, इलेक्ट्रिकल फायर इसके अंतर्गत आती है। मेटेलिक फायर, अब बताना आपको मेटेलिक फायर किसके अंतर्गत आती है? चलिए अब आपको बताना है किसके अंतर्गत आती है। चलिए तो खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण, इसमें भी यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? अग्निशामक यंत्र की, अच्छा ये भी होना चाहिए। पानी से भरी बाल्टी होनी चाहिए, रेत से भरी बाल्टी होनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिशियन की ओर। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं किससे? विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं, चलिए बताइए। तो सूखी लकड़ी या फिर रबड़ के दस्तानों से? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, पता होगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए जो है हम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक अब CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताइए किसके साथ जाएगा। चलिए तो बिजली से लगी आग बुझाने के लिए CO2 का हम यूज़ करते हैं। ठीक है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन आप लोग समझे कि झटके लगे व्यक्ति को नहीं पिलाना चाहिए, क्या? पानी, चाय, दूध या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इनमें तीनों में से कुछ नहीं पिलाना चाहिए। किसी व्यक्ति को झटका वगैरह लग जाता है बिजली वगैरह का तो कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक उसे से ताज़ी हवा पिलानी चाहिए, मतलब जो है उसे अच्छे से, यानी कि उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो, उसे अच्छे से खुले में और जहाँ पर ताज़ी हवा आती हो, ठीक है, तो वहाँ पर उसको लेटा देना चाहिए। ठीक चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र की आकृति किसके समान होती है, किस टाइप से होती है? तो शंकु आकार की होती है, किसकी? शंकु आकार की वह होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। जो LPG गैस से लगी आग को बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, चलिए बताइए। LPG वगैरह आपने देखी होगी, बताइए। तो सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक यंत्र, सूक्ष्म पाउडर जो है अग्निशामक यंत्र, LPG गैस जबकि घर में भी आप यूज़ करते हो। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है,
अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है? चलिए बताइए किसके साथ जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फिनॉल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। ठीक, चलिए 21वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। चलिए बताइए आग एक मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण होती है आग? ऑक्सीजन, ताप और ईंधन का। किसका? ऑक्सीजन, ताप और ईंधन का जो है यह मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, आग किसका मिश्रण होता है, एग्जाम पूछ लिया जाता है आग जो है किसका मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन, ताप और ईंधन का। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अग्निशामक यंत्र के द्वारा अग्नि क्षेत्र में किस गैस की कमी की जाती है? अग्निशामक यंत्र के द्वारा किस गैस की कमी की जाती है? चलिए बताइए राइट आंसर किसके साथ जाएगा, राइट आंसर बताना है। अग्निशामक यंत्र के द्वारा अग्नि क्षेत्र में किस गैस की कमी की जाती है? तो ऑक्सीजन आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ, ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका जो एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किस प्रकार की आग में सप्लाई बंद करके अलार्म बजाना चाहिए तथा प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा आग पर काबू पाना चाहिए? राइट आंसर आपको बताना है किस प्रकार की आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका किस प्रकार की आग में सप्लाई बंद करके अलार्म बजाना चाहिए तथा प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा आग पर काबू पाना चाहिए, आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा। चलिए आपको राइट आंसर बताना है किसके साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका जो है यहाँ पर यानी कि श्रेणी डी जो है जो वायर होती है श्रेणी डी में आग आती है वो आपका राइट आंसर होगा, क्लास डी। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर एच दे रखा है एफ जी एच, यानी कि ऑप्शन नंबर एच जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर एच के साथ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो दोस्तों तो ये था आपका टॉप 24 क्वेश्चन जो मैंने इस क्लास में डिस्कस कराए। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे दोस्तों में, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करना और क्लास को पूरा देखे करिए आप, क्योंकि जब आपको क्लास पूरा देखोगे तभी आपको पूरा क्लास का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग और कैलकुलेशन की क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा ताकि आपके जो डाउट वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आप बेसिक से पढ़ ही लीजिएगा क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके एग्ज़ाम में जो है सेकेंड ईयर में थोड़ी सी टफ हो गई है। ठीक, और एग्ज़ाम मैंने बताया आपके एग्ज़ाम सेप्टेम्बर में होने के चांस है, यानी कन्फर्म है, चेंज भी हो सकता है कुछ भी इसमें। ठीक है, लेकिन फिलहाल चांस बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।